रंजीत मेरा चौथा बना गया है। मेरी आत्मा कहती है कि जो बाकी मेरा जीवन बचा हुआ है वो राम के भजन में जाके मैं क्यों ना बिता दूं। बड़े भैया काश आपका चौथापन आ गया है तो बन जाने की क्या आवश्यकता है। आप कहें तो इसी राज घराने में एक कोने में अच्छा सा मंदिर बनवा दिया जाए, उसी मंदिर में राम की भजन करें। भैया नहीं मेरी बात नहीं, ऐसे परिवार में इस माया जाल में रहकर हम प्रभु की भजन नहीं कर सकते। जैसे आपकी आज्ञा बड़े भैया। दरबारी पिताश्री के शाही वस्त्र उतारे जाए और चाचा श्री को पहनाया जाए। जैसे आज्ञा भैया। हाँ भैया, ये हमारे शाही वस्त्र उतार कर हमारे छोटे भाई रंजीत सिंह को पहनाया जाए। बड़े भैया आपके आदेशानुसार ये आपका छोटा भाई ये शाही वस्त्र को धारण कर रहा है, लेकिन बड़े भैया हमारी भी एक शर्त है। बड़े भैया जिस समय श्री रामचंद्र जी का वनवास हुआ था, श्री रामचंद्र के खड़ाओं को भरत पूंजे थे, उसी प्रकार यदि आप अपने चरणों की खाव दे दो तो भरत के तरीके आपके खड़ाओं को सिंहासन पे रख के मैं भी पूजा करूंगा। नहीं रंजीत, ये नहीं हो सकता है। रामचंद्र जी को वनवास हुआ था, लेकिन हम वनवास नहीं जा रहे, हम तो उन्हीं राम की भजन मिलन होने के लिए जा रहे हैं। हमें वनवास थोड़ी हो रहा है, हम उन्हीं राम की भजन और की गीता गाने के लिए हम जंगल में अपनी तपस्या करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है बड़े भैया, मेरी राजधानी जिसे आज तक हमने आपकी सेवा किया और आपने मेरी कद्र किया, उसी तरह चलते समय में कुछ बोलूंगा आपसे।